और एक शहर का सम्मानित व्यापारी भी हूँ। हाँ जी, जैसा कि गवर्नमेंट कर रही है किसानों के आंदोलन के लिए, ये बेहद निंदनीय है। गवर्नमेंट एक चीज़ का जवाब दे, पूरे देश में पैनाडेमिक की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इस दौर में जीने मरने का संकट चल रहा है, और दूसरी तरफ आप चोर रास्ते से किसानों के लिए तीन तीन कानून पास कर रहे हैं, तो ये तो आपकी नीयत दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पैनाडेमिक के दौर में ये कानून पास हो गए, कोई सड़कों पर आएगा नहीं, और जो कोई आएगा महामारी एक्ट लगा करके बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी रैलियाँ हो रही हैं उसमें महामारी एक्ट नहीं लगेगा, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घूम रहे हैं, भीड़ मच रही है, उसमें महामारी एक्ट नहीं लगेगा, किसानों को आप लगाएंगे। और ये एक्ट जितना किसानों के लिए गलत है उससे ज़्यादा व्यापारियों के लिए और आम आदमी के लिए गलत है। जो ये कॉरपोरेट कार्टेल माफिया है, इंटरनेशनल अमेजोन है, उसमें ट्रेस्ला है और वॉलमार्ट है, ये बैक डोर से इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। बाई चांस या दुर्भाग्य से बोलूं तो कुछ हमारे बड़े कॉरपोरेट्स इनके साथ में मिले हुए हैं, जैसे कि आप ध्यान करें जियो में 10% इक्विटी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं खरीद रहे हैं, उनके दिमाग जहाँ से हमारे इंडिया के सबसे बुद्धिमान का दिमाग ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होते हैं। अंग्रेज ऐसे ही नहीं बोल गए कि उनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता, वो दिमाग की खाता है। वो कल को चोर रास्ते से भारत में आकर यही अनाज किसान से 20 रुपये खरीद कर हमें 60 रुपये बेचने की क्षमता रखते हैं, और ये मंडियां बर्बाद होंगी, व्यापारी बर्बाद होंगे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, महामारी के दौर में ये कानून पास करने की जल्दी क्या थी? आपने नोटबंदी की, मेरा बहुमत है जी मैं जो मर्जी करूँ। आपने गलत तरीके से GST लगाया, मेरा बहुमत है जी मैं जो मर्जी करूँ। आप कोई डील करके आते हैं फॉरेन में, उसमें कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा बहुमत है मैं जो मर्जी करूँ, किसी से बात नहीं करनी। किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, इनके लिए कानून ला रहे हैं, उनसे आपने पूछा कि आप इस कानून के इच्छुक हैं? गवर्नमेंट किसी को 5 रुपये का मास्क तो दे नहीं पा रही है नागरिकों को, आज तक ये नहीं कह पा रही है कि हम किस अपने नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण करेंगे, कोई भी आज तक ऐसी घोषणा नहीं हो रही है। आप किसान को करोड़पति बनाने पर तुल रहे हो, वाह वाह क्या कहा जाए आपका। सरकार चोरी छिपे काम ना करे, सामने करे, सलाह दे करके करे। धन्यवाद।